अच्छा गाइस सलाम अलैकुम। अच्छा द टॉपिक दैट वी विल बी डिस्कसिंग टुडे इज स्टीवरशिप एंड ऑडिट। अच्छा यार ये प्योरली थ्योरी बेस्ड टॉपिक है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू एक्सप्लेन टू यू गाइस व्हाट स्टीवरशिप इज एंड व्हाट ऑडिट इज। देखो इन एनी कंपनी स्पेशली अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी शेयर होल्डर्स बहुत सारे होते हैं एंड दीज शेयर होल्डर्स डोंट हैव डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द कंपनी बिकॉज दे डोंट रन द कंपनी। ठीक है, और ये शेयर होल्डर्स अपनी कंपनी को रन करने के लिए बाय वोटिंग इन द एनुअल जनरल मीटिंग दे अपॉइंट डायरेक्टर्स बाय वोटिंग। ठीक है, और ये डायरेक्टर्स ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर्स दे मैनेज द रिसोर्सेस ऑफ द कंपनी। बेसिकली दे हैंडल दे मैनेज द कंपनी दे रन द कंपनी फॉर द शेयर होल्डर्स। ठीक है, ऐसे ही होता है। So this process, stewardship, is the duty on the managers, basically directors. Is the duty on the managers directors to run and manage the resources of the company on behalf of the shareholders. ये स्टीवर्डशिप का बेसिक मतलब होता है कि यार जो डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे कंपनी को रन कर रहे होते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट स्टीवर्डशिप मींस। अब ऑडिट क्या होता है? यार ऑब्वियस ही बात है, अगर तुम्हें ऑडिट को समझना है ना, तो ऑडिट को समझने का आसान तरीका ये है, ऑडिट इज बेसिकली डन टू कीप अ चेक एंड बैलेंस। हाउ एंड व्हाट बेसिकली ऑडिट इज। होता क्या है कि यार पूरा साल शेयर होल्डर्स का जितना भी पैसा होता है, क्योंकि कंपनी शेयर होल्डर्स ऑन करते हैं, अब क्योंकि शेयर होल्डर्स की कंपनी और शेयर होल्डर्स का पैसा मैनेज डायरेक्टर्स कर रहे होते हैं और कंपनी को डायरेक्टर्स रन कर रहे होते हैं, तो साल के एंड में ये चेक करने के लिए कि डायरेक्टर्स ने कंपनी को रन करते वक्त और डायरेक्टर्स ने, क्योंकि जब कंपनी को डायरेक्टर्स रन करते हैं तो ईयर एंड पे सारे शेयर होल्डर्स को फाइनल अकाउंट्स दिखाए जाते हैं, जिन फाइनल अकाउंट्स में कंपनी का इनकम स्टेटमेंट होती है कंपनी की, जिससे आपको प्रॉफिट पता चलता है, आपके पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी होती है, उसकी बैलेंस शीट होती है और उसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है। दीज आर बेसिकली द फाइनल अकाउंट्स विच द डायरेक्टर्स गिव टू द शेयर होल्डर्स एट द ईयर एंड कि भाई इतना प्रॉफिट हुआ इस साल, ये हमारे एसेट्स हैं, ठीक है, ये हमारा कैश फ्लो है। तो ये देखने के लिए कि यार ये फाइनल अकाउंट्स जो हमें दिए जा रहे हैं एज शेयर होल्डर्स, उसमें कोई गलती तो नहीं है, या फिर वो जो फाइनल अकाउंट्स हमें गिवन है, अकाउंट्स में एक टर्म यूज होता है जिसको कहते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी तुम्हें याद रखनी है। ठीक है, सो ये चेक करने के लिए कि जो फाइनल अकाउंट्स डायरेक्टर्स ने बनाकर दिए हैं, सही है, और जो कंपनी का प्रॉफिट दिखाया जा रहा है, जो कंपनी के एसेट्स दिखाए जा रहे हैं,
आर ऑल दीज फाइनल अकाउंट्स शोइंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कंपनी. सही है, इस चीज को चेक और इस चीज का बैलेंस रखने के लिए कंपनी के अकाउंट्स का ऑडिट किया जाता है. ऑडिट का मतलब होता है कि कंपनी के अकाउंट्स को एक ऑडिट में कंपनी के अकाउंट्स को बाहर के कुछ इंडिपेंडेंट जिनका कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है, डायरेक्टर्स से कोई ताल्लुक नहीं है, कॉम्पिटेंट का मतलब जिनको अकाउंटिंग आती है, ठीक है, जिसके लिए बेसिकली यूजुअली ऑडिटर्स जो होते हैं जो आपके अकाउंट्स को आके चेक करते हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, ठीक है, तो दे नो अकाउंट्स, ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं, कॉम्पिटेंट होते हैं और वो शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए कि यार डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स के साथ फ्रॉड ना कर दें और जो अकाउंट शो कर रहे हैं वो बिल्कुल ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हो, बिल्कुल अकाउंट्स में कोई गलती ना हो, ठीक है, और वो कंपनी की रियल पोजिशन को शो कर रहे हो, वो चेक करने के लिए ऑडिटर्स को हायर किया जाता है, ठीक है. सो एंड यू नीड टू इंश्योर दैट द ऑडिटर्स आर इंडिपेंडेंट, विच मीन्स दे हैव नो रिलेशन व्हाटसोएवर विद द डायरेक्टर्स एंड दे आर कॉम्पिटेंट. सो द ऑडिटर्स कम एंड देन दे चेक द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी. सही है. अब होता क्या है कि नाउ दैट यू नो व्हाट एन ऑडिट इज, ठीक है, अब तुम लोग को ये पता होना चाहिए कि अच्छा अब नेक्स्ट चीज जो तुम्हें पता होनी चाहिए, तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए. पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि जो डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनका रोल क्या होता है, उनका क्या काम होता है. डायरेक्टर्स का पहला काम ये होता है कि भाई जितनी भी आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज होंगी वो क्या रखनी है, ठीक है, ये काम सारे डायरेक्टर्स करते हैं. अकाउंटिंग पॉलिसीज में क्या क्या आता है कि भाई डेप्रिसिएशन कितनी होनी चाहिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होना चाहिए, जितनी भी पॉलिसीज वगैरह होती है ना, ठीक है, ये सब डिसाइड करते हैं आपके डायरेक्टर्स. दूसरा काम जो डायरेक्टर्स करते हैं वो ये करते हैं दैट दे इंश्योर दैट द अकाउंट्स आर मेड are made in compliance with the international accounting standards. के directors have to ensure कि भाई जितनी भी company की accounting हो रही है उस accounting में, उस accounting को करते वक्त, accounts बनाते वक्त सारे international accounting standards सही तरह follow हो रहे हों. तीसरा जो directors का role होता है वो ये होता है कि वो सारे अकाउंटिंग कंट्रोल्स एंड सिस्टम्स बनाते हैं. अब यार अकाउंटिंग कंट्रोल्स और सिस्टम्स क्या होते हैं? अकाउंटिंग कंट्रोल्स और सिस्टम्स ये होता है कि यार ऑब्वियसली जो भी बिजनेस चल रहा होता है उसमें जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है या जो भी डेटा अकाउंटिंग होने से पहले अकाउंटेंट के पास आ रहा है, तो वो डेटा में बीच में कोई लूप होल ना हो या उसमें कोई फ्रॉड या एरर का चांस ना हो, इसलिए कंट्रोल्स बनाए जाते हैं. जैसे मैं तुम्हें एक बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल हमारे पास, हमें ये देखना है, हमें एक कंट्रोल बनाना है कि यार मेरा जो एम्प्लॉय आ रहा है मुझे उसके लेट आने पर उसके पैसे काटने हैं सैलरी से, तो मैं क्या कंट्रोल बनाऊंगा? मैंने अपने ऑफिस के स्टार्ट में ना एक टाइम इन टाइम आउट की फेस रिकग्निशन मशीन रख दी. अब जो भी एम्प्लॉय अंदर आता है वो टाइम इन करता है अपनी शक्ल दिखा के,
और टाइम आउट भी करता है अपनी शक्ल दिखा के। तो इसका ये कंट्रोल मैंने बना दिया कि भाई मैंने मशीन लगा दी ताकि मुझे एग्जैक्टली बताओ कि भाई कौन सा बंदा कितने बजे आ रहा है, कौन सा बंदा कितने बजे काम से वापस जा रहा है। तो ये मेरा कंट्रोल है, सही है इस चीज पे, कि कोई भी बंदा हमें इस चीज पे मिसलीड ना कर सके या हमसे झूठ ना बोल सके कि वो लेट आया था या जल्दी आया था। तो दिस इज हाउ यू मेक कंट्रोल्स। हर बिजनेस के डिफरेंट कंट्रोल्स होते हैं, और जितने ज्यादा इफेक्टिव और अच्छे कंट्रोल्स होते हैं उतनी बेहतर अकाउंटिंग होती है और इतना चांसेस ऑफ एरर्स कम होते हैं। तो ये सारे अकाउंटिंग कंट्रोल्स और सिस्टम्स बनाना भी डायरेक्टर्स का काम है, ठीक है। फिर डायरेक्टर्स का एक और भी रोल है कि प्रोवाइडिंग डेटा, जितना भी डेटा है, टू ऑडिटर्स, ठीक है। ये काम भी डायरेक्टर्स का है। अच्छा, ये रोल ऑफ डायरेक्टर्स, और अभी मैं आपको जो दो तीन चीजें और लिखाऊंगा, बिकॉज दिस इज प्योरली थ्योरी बेस्ड, ठीक है। तो जो जो थ्योरी आती है वो मैं आपको सब लिखवा भी रहा हूँ, सो दैट यू कैन कॉपी दिस डाउन, एंड इसके फिर मैं आप लोग को पास पेपर क्वेश्चंस भी करा दूंगा, सो दैट यू गाइस हैव टोटल कॉन्फिडेंस ऑन दिस चैप्टर, ठीक है। इसके अलावा ये लोग एक डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी बनाते हैं, सही है। डायरेक्टर्स रिपोर्ट में क्या होता है, दैट आई विल एक्सप्लेन इन अ व्हाइल, सही। दिस इज व्हाट ऑल डायरेक्टर्स डू। अच्छा, अब ये तो डायरेक्टर्स का काम हो गया, अब ऑडिटर्स का क्या सीन है? अच्छा, रोल ऑफ ऑडिटर्स, अच्छा पहले तो तुम ये समझो कि भाई बिजनेस में ना, कंपनीज में एक होते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर, एक होते हैं एक इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिटर्स भी होते हैं, ठीक है। अब यार दोनों में क्या फर्क है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों का रोल क्या है, दोनों करते क्या है। दोनों में फर्क क्या है, ये जो अपॉइंट होते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर्स, ये अपॉइंट होते हैं शेयर होल्डर्स की तरफ से, ठीक है। ये शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, और ये शेयर होल्डर्स की वजह से अपॉइंट किए जाते हैं ताकि ये आके हमारे अकाउंट्स को चेक कर सकें। इंटरनल ऑडिटर्स जो होते हैं वो बेसिकली हमारी कंपनी के ही एम्प्लॉयज होते हैं, जिनको डायरेक्टर्स एम्प्लॉय करते हैं या सीनियर मैनेजमेंट एम्प्लॉय करती है। अब एक्सटर्नल ऑडिटर वो लोग होते हैं जो आके हमारी कंपनी के अकाउंट्स को चेक करते हैं, और ये बाहर के इंडिपेंडेंट लोग होते हैं, ये हमारे एम्प्लॉयज नहीं होते, ठीक है। ये अलग से, जैसे ऑडिट फर्म्स होते हैं, अर्नस्ट एंड यंग है, EY, या फिर KPMG है, बहुत सारे होते हैं, सही है। नाउ दीज पीपल आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, इनका काम ही है कि ये डिफरेंट कंपनीज को जा जाके ऑडिट करते हैं, ठीक है। लेकिन इंटरनल ऑडिटर्स हमारे एम्प्लॉयज होते हैं जिनको हम खुद हायर करते हैं, और ये बेसिकली सीनियर मैनेजमेंट को रिपोर्ट करते हैं, ये शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट नहीं करते। अब यार इंटरनल ऑडिटर्स क्यों रखे जाते हैं? इंटरनल ऑडिटर्स इसलिए रखे जाते हैं ताकि जब असल में एक्सटर्नल ऑडिटर आए, जिसको असल में हमारे अकाउंट आके चेक करने हैं, उसको गलतियां कम से कम मिले, ठीक है। तो इंटरनल ऑडिटर बेसिकली एक हमारे एंड पे अपना चेक होता है, टू इंश्योर कि भाई अगर डायरेक्टर से कुछ मिस हो गया या अकाउंट्स बनाते हुए हमसे कोई गलती हो गई, तो वो इंटरनल ऑडिटर ही हमें बता दें, ताकि एक्सटर्नल ऑडिटर के आने से पहले ही वो सारी गलतियां हम सही कर लें, ठीक है, सही है। सो दीज आर, एक और भी डिफरेंस बताता हूँ, एक्सटर्नल ऑडिटर क्या करता है, दे प्रोड्यूस एन ऑडिट रिपोर्ट इन विच दे गिव देयर ओपिनियन
द फाइनल अकाउंट्स बीइंग द फाइनल अकाउंट्स गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू. ठीक है, ऑडिटर्स जो एक्सटर्नल ऑडिटर्स होते हैं उनका जो मेन काम होता है वो ये होता है, वो आके सारे अकाउंट्स को चेक करते हैं और अकाउंट्स को चेक करने के बाद वो एंड में अपनी एक ऑडिट की, जिसमें उन्होंने चेक किया, एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें वो अपना ओपिनियन देते हैं कि भाई क्या ये अकाउंट्स जो बने हुए हैं, फाइनल अकाउंट जो बने हुए हैं, आर दे गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कंपनीज पोजिशन और नॉट. लेकिन इंटरनल ऑडिटर्स क्या करते हैं, दे check and review the controls and systems of the business. ये लोग सिर्फ ये review कर रहे होते हैं, वापस देख रहे होते हैं, वापस check कर रहे होते हैं कि यार business में जो controls रखे हुए हैं, जो system है जिससे सारी accounting हो रही है, उसमें कोई मसला तो नहीं है. ठीक है, so that when external auditors come they don't find any problems, or problems honi bhi nahi chahiye. This is how an ideal final account should be, ki bhai directors ne sab kaam honestly kiya taki shareholders ke paas jo information pahunch rahi ho about the company, that is giving a true and fair view of the company's position. Sahi hai. Sorry, abhi tak maine tum logon ka role sahi se nahi bataya ki what exactly they do, uski detail nahi batai, but I've just told you the difference between external auditors and internal auditors. Okay, I'm giving you guys 5 minutes to copy this and then I'll tell you the role of auditors. I'm giving you 1 more minute to copy this. अच्छा, अब जिसका ये कॉपी नहीं हुआ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट आई नीड टू टेल यू इज कि यार एक्सटर्नल ऑडिटर्स जो होते हैं उनका काम क्या होता है, वो क्या क्या करते हैं आगे. ठीक है, ओके, सो रोल ऑफ external auditors, what they do. भाई ये लोग सबसे पहले
आकर चेक करते हैं अकाउंटिंग डेटा। ठीक है, अब इस बात का क्या मतलब है? अकाउंटिंग डेटा चेक करने का मतलब है कि भाई जितनी भी अकाउंटिंग हुई हुई है उस सारी अकाउंटिंग के पीछे के जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं या एविडेंसेस हैं ऑफ ट्रांजैक्शंस, वो सारी ये चेक करते हैं कि भाई अगर आप कह रहे हो कि 10 लाख रुपए की सेल है, सही है, तो उसके पीछे एविडेंस क्या है, उसकी रिसीटें क्या हैं। ठीक है, सो ऑल दीज ये सारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। फिर ये दूसरा काम ये करते हैं कि ये आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज देखते हैं, दे चेक द कंपनीज अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये देखने के लिए कि कोई गलत पॉलिसी तो नहीं है। सही है, आर द पॉलिसीज फेयर, डू दे मेक सेंस, सारी पॉलिसीज ओवर द ईयर्स कंसिस्टेंट तो रही हैं। ठीक है, बिकॉज अकाउंटिंग पॉलिसीज आपको कंसिस्टेंट रखना जरूरी होती है। देन दे चेक कंप्लायंस विथ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कि यार जितने भी फाइनल अकाउंट्स बनाए गए हैं इस कंपनी के, क्या वो सारे अकाउंट्स IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए। देन दे चेक द कंट्रोल्स एंड सिस्टम्स ऑफ द बिजनेस, ये देखते हैं कि भाई जो भी कंट्रोल्स लगाए गए हैं डायरेक्टर्स की तरफ से टू मिनिमाइज फ्रॉड एंड एरर्स, क्या वो कंट्रोल्स इफेक्टिवली काम भी करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे एक बेसिक एग्जांपल है, एक ऑडिटर आता है, वो कहता है कि भाई आप लोग ने ये जो सैलरी काटी है एम्प्लॉयज की और उसके लिए जो आपने उनकी लेट मिनट्स देखी हैं कि कौन कितना लेट आ रहा है, तो उसके वो आप कैसे चेक करते हो, उस पर आपका कंट्रोल क्या है। तो आपको बिजनेस का जो भी अकाउंटेंट है वो बताएगा कि भाई हमने एक टाइम मशीन लगाई हुई है जिस पे बंदे आके अपनी फेशियल रिकग्निशन कराते हैं, तो ऑडिटर जाके ना उस टाइम मशीन को देखेगा कि इफ इट्स वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट। सही है, कि जो कंट्रोल लगा हुआ है इज इट इफेक्टिव, इज इट इन वर्किंग कंडीशन और नॉट। सही है, तो आपके जितने भी कंट्रोल्स और सिस्टम्स होते हैं उनको आके चेक कर रहे होते हैं। सही है, सो बेसिकली व्हाट दे डू इज जो जो काम लगता है फाइनल अकाउंट्स बनाने में, ये सब सिर्फ आके उनको चेक करते हैं कि भाई जो डेटा के थ्रू अकाउंट्स बने हैं उन डेटा को चेक करो, जो पॉलिसीज यूज कर रहे हो उस पॉलिसी को चेक करो, ये चेक करो IAS अप्लाई हुआ या नहीं हुआ, जो कंट्रोल और सिस्टम्स हैं उनको चेक करो। व्हाट एल्स दे डू इज कि ना दे कॉल अप टू वेरीफाई योर मेजर ट्रेड रिसीवेबल्स एंड दे ऑल्सो वेरीफाई योर मेजर ट्रेड पेबल्स। सही है, जिन लोगों से आपको पैसा लेना है दे कॉल देम अप, जो मेजर मेजर होते हैं मतलब, और सैंपल बेसिस पे ऑडिट ना हमेशा सैंपल बेसिस पे होता है, ये याद रखना। सैंपल बेसिस पे क्यों होता है? क्योंकि यार अगर आपके बिजनेस की पूरे साल में 20,000 ट्रांजेक्शन हैं, तो एक ऑडिटर आके 20,000 ट्रांजेक्शन चेक नहीं करेगा, वो रैंडमली सैंपल बेसिस पे 20,000 में से लेट से 2,000 चेक कर लेगा। ठीक है, तो इसी तरह मेजर ट्रेड रिसीवेबल्स को कॉल करके वेरीफाई किया जाता है कि यार डू यू हैव टू गिव दिस मच मनी टू दिस कंपनी। इस तरह मेजर ट्रेड पेबल्स को भी वेरीफाई किया जाता है कि यार ये कंपनी आप इस कंपनी से इतने पैसे मांगते हो या नहीं मांगते। फिर दीज ऑडिटर्स गो एंड अटेंड स्टॉक काउंट्स। स्टॉक काउंट्स में क्या होता है कि आपकी जो क्लोजिंग इन्वेंट्रीज होती हैं कंपनी की, ऑडिटर खुद जाके वो स्टॉक को काउंट करता है टू इंश्योर कि भाई जो बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू दी हुई है या जो स्टॉक बताया हुआ है वो ज्यादा या कम तो नहीं बताया हुआ। देन दे ऑल्सो चेक द सिक्योरिटी ऑफ द नॉन करंट एसेट्स। इस बात का मतलब ये है कि ये जाके नॉन करंट एसेट्स को चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि जितने नॉन करंट एसेट्स कंपनी में शो हो रहे हैं क्या वो नॉन करंट एसेट सिक्योर्ड हैं, सेफ जगह पे हैं। सही है, वो कोई ऐसी कंडीशन में तो नहीं है डैमेज्ड हों या इस तरह हों। सही है, सो दे गो एंड चेक योर नॉन करंट एसेट्स एज वेल। ठीक है, इफ देयर सेफ, इफ देयर
in the same position as shown by the accounts. Next, what they do is they produce an audit report in which they give their opinion. ठीक है, सारी ये ऑडिट वॉडिट करने के बाद ना ये लोग एंड में बनाते हैं ऑडिट रिपोर्ट. दे प्रोड्यूस एन ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट के अंदर वो अपना ओपिनियन देते हैं एज एन इंडिपेंडेंट कॉम्पिटेंट पर्सन. ये ग्रुप ऑफ पीपल आर टीम जो ये बताती है कि भाई हमारे हिसाब से ये जो अकाउंट्स बनाए हैं आपके डायरेक्टर्स ने, डू दे गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू और डू दे नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू. ठीक है, सो दे प्रोड्यूस एन ऑडिट रिपोर्ट. सो आई थिंक दिस इज वॉट ऑडिटर्स डू. अब मैं तुम लोग को थोड़ी सी इसी बात से कंटिन्यू करते वक्त, यू गाइस शुड कॉपी दिस डाउन बाय द वे, ये सब तुम थ्योरी में लिख सकते हो और इतने पॉइंट्स बहुत हैं. अब यार ऑडिट रिपोर्ट की जो मेन बात होती है ना, सही है, अब रोल से आगे बढ़ के यस, सो रोल ऑफ ऑडिटर से आगे बढ़ के मुझे तुम्हें एक बेसिक चीज समझानी है कि देखो जो ऑडिट रिपोर्ट होती है ना, जो एंड में ऑडिटर बना के शेयर होल्डर्स को देता है, उसके बारे में उसमें वो सारा अपना ना बताता है कि भाई मैंने क्या क्या देखा, क्या हुआ. लेकिन उसमें जो सबसे मेन चीज होती है ना, जिसके बारे में तुम्हें बताना चाहिए, वो होता है एक ऑडिटर का ओपिनियन. और इसके लिए एक बड़ा स्पेसिफिक वर्ड यूज होता है. सही है, ऑडिटर की रिपोर्ट या तो क्वालिफाइड होती है, या तो वो एक क्वालिफाइड रिपोर्ट बनाता है, या तो फिर वो अनक्वालिफाइड रिपोर्ट बनाता है. सही है, अब यार क्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? क्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब होता है दिस मीन्स प्रॉब्लम. अगर ऑडिटर ने एंड में रिपोर्ट क्वालिफाइड दे दी, अपना ओपिनियन ये दिया है कि भाई दिस इज अ क्वालिफाइड रिपोर्ट, तो क्वालिफाइड रिपोर्ट इज नेगेटिव. दिस मीन्स कि यार अकाउंट्स, ऑडिटर को ये लगता है अकाउंट्स आर नॉट गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू. क्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब है कि भाई अकाउंट्स सही ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे. अब एक ऑडिटर एक क्वालिफाइड रिपोर्ट कब देगा? वो क्वालिफाइड रिपोर्ट तब देता है जब या तो उसको डेटा प्रोवाइड नहीं किया जा रहा सही से, वो ऑडिट करने आए हैं और उसके साथ क्या कहते हैं कोऑपरेट नहीं किया जा रहा, ठीक है, उसको डेटा ही नहीं दे रहे कि वो अपना ओपिनियन सही से फॉर्म कर सके या वो सही से अपना काम कर सके, या फिर उसको अकाउंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स मिली हैं. ठीक है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स का मतलब है कि उसको बहुत सारी ऐसी चीज मिली हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मटेरियल है, और वो फिगर सही नहीं लिखे हुए. ठीक है, वो गलत फिगर्स लिखे हुए, मतलब शायद एक्सपेंस कम शो हुआ हुआ है, सेल ज्यादा शो हुई हुई है. सही है, सो उसको मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स कहते हैं. अगर ये दोनों चीजों में से कुछ भी होगा तो ऑडिटर एक क्वालिफाइड रिपोर्ट देगा जिसमें वो बताएगा कि भाई मेरे हिसाब से आपके अकाउंट सही नहीं बने हुए, दे आर नॉट ट्रू एंड फेयर. ठीक है, अच्छा एक और छोटी सी चीज है. देखो जब अकाउंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स होती है ना, कोई मसले होते हैं, तो ऑडिटर जो पहला काम करता है वो डायरेक्टली क्वालिफाइड रिपोर्ट नहीं बना देता. वो पहले क्या करता है कि वो सीनियर मैनेजमेंट या डायरेक्टर्स को बोलता है कि भाई ये फिगर्स गलत हैं, इन फिगर्स को सही करो. सही है, वो पहले उनको बताता है कि यार आपके अकाउंट्स में ये मसला है, इनको ठीक कर लो. अगर डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट उसको सही कर लेती है तो कोई मसला नहीं है. ठीक है, फिर ऑडिटर वुड बी एट पीस, ही वुड बी ओके विद दैट. लेकिन अगर उसके बताने के बावजूद आपकी डायरेक्टर्स या आपकी सीनियर मैनेजमेंट अकाउंट्स में से मिसस्टेटमेंट्स को नहीं हटाती, ठीक है, फिर वो क्वालिफाइड रिपोर्ट दे देता है कि भाई मैंने उनको बताया भी कि ये प्रॉब्लम्स हैं, बट स्टिल दे डिड नॉट चेंज दोज मिसस्टेटमेंट्स,
एंड हेंस आई एम गिविंग अ क्वालिफाइड रिपोर्ट. सही है. अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, दिस इज इट अबाउट क्वालिफाइड रिपोर्ट. ठीक है, इन दो केसेस में वो क्वालिफाइड रिपोर्ट देता है. अनक्वालिफाइड रिपोर्ट इज अ गुड साइन कि यार अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहे हैं और इसमें कोई मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है. सो अनक्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब होता है दैट अकाउंट्स आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू. और अकाउंट्स आर शोइंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, एंड ये भी कह सकते हो आगे अगर लिखना हो, एंड आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स. फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स. ठीक है. अच्छा गाइज, आई एम गिविंग यू गाइज 2-3 minutes अगेन टू कॉपी दिस. यहां तक ना रोल ऑफ डायरेक्टर खत्म था. इसके बाद मैंने तुम्हें ऑडिट रिपोर्ट की जो मेन चीज होती है वो समझाई है कि ऑडिट रिपोर्ट में एंड में जो ऑडिटर का ओपिनियन होता है उसमें दो ओपिनियंस क्या क्या हो सकते हैं. तुम्हें ये पता होना चाहिए कि क्वालिफाइड रिपोर्ट का क्या मतलब है, अनक्वालिफाइड का क्या मतलब है.
ओके गाइस, आई जस्ट रियलाइज्ड कि इन द लास्ट 2 मिनट्स आई वाज स्पीकिंग आई वाज ऑन म्यूट, सो आई विल जस्ट एक्सप्लेन व्हाट आई सेड अगेन. सी, जब मैं तुम लोग को रोल ऑफ डायरेक्टर्स लिखवा रहा था तो मैंने तुम लोग को बताया था कि डायरेक्टर्स एक रिपोर्ट भी बनाते हैं. सो उस रिपोर्ट के अंदर का कंटेंट क्या होता है वो ये रहा. यू गाइज नीड टू कॉपी दिस बिकॉज ये भी थ्योरी में आ सकता है. अब इसमें होता क्या है कि एक तो पहले डायरेक्टर्स एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बताते हैं जिसमें वो बताते हैं कि भाई कंपनी के क्या क्या मसले चल रहे हैं, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, और जिसमें वो नॉन मॉनेटरी इश्यूज भी हाईलाइट करते हैं. सही है, कोई इस तरह का इवेंट हो गया जो प्रॉब्लमैटिक हो सकता है या जो भी, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में न्यूमेरिकली नहीं शो किया जा सकता. फिर वो आपको बताते हैं कि आपकी कंपनी की प्रिंसिपल एक्टिविटीज़ क्या है, मेन काम क्या है, और अगर उसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है इस साल के बीच में. इट ऑल्सो शोज कि आपके प्रपोज डिविडेंड्स कितने हैं, डायरेक्टर्स ने रिजर्व्स में कितना पैसा ट्रांसफर किया है. सही है, फ्यूचर में कोई अगर सिग्निफिकेंट इवेंट होने वाला होता है वो भी इसमें लिखा होता है, और इसमें ये भी लिखा होता है कि जो डायरेक्टर है उसके इस कंपनी में अपने कितने शेयर हैं. सही है, सो दीज आर द कंटेंट्स ऑफ अ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, यू शुड कॉपी दिस. एंड विद दैट वी डन विद ऑल थ्योरी एंड दिस चैप्टर दैट इज रिलेटेड टू ऑडिट. अब इसमें देखो, आई जस्ट हाईलाइट द थिंग्स दैट यू शुड नो. तुम लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए स्टीवर्डशिप का क्या मतलब है. सही है, स्टीवर्डशिप का ये मतलब होता है, स्टीवर्डशिप इज द रोल दैट द डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स ऑफ द कंपनी हैव टू रन द कंपनी एंड द रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर्स. ठीक है, देन यू शुड नो द रोल ऑफ अ डायरेक्टर जो हमने पीछे डिस्कस कर लिया. देन यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन एन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर. सही है, दैट वी हैव ऑल्सो डन. फिर तुम लोग को ये पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल ऑडिटर का काम क्या होता है, उसका रोल क्या होता है. सही है, एंड फाइनली व्हाट यू शुड नो इज कि जब एक्सटर्नल ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट देता है तो उस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर अनक्वालिफाइड ओपिनियन क्या होता है और क्वालिफाइड ओपिनियन क्या होता है. दिस इज ऑल यू नीड टू नो. ठीक है, नाउ दैट यू हैव कॉपीड दिस, लेट्स डू सम पास्ट पेपर क्वेश्चंस. अब लेट्स से दिस बीइंग द फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ चुका है इन 2017 या 18, एंड दिस वाज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द रोल ऑफ एन एक्सटर्नल ऑडिटर एंड द रोल ऑफ एन इंटरनल ऑडिटर. सो एक्सटर्नल ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट. ठीक है, and this is obviously an employee of the company. ye checks the accounting data to produce an audit report that comments on the accounts being on the accounts given true and fair view. ठीक है, what they do is they review and check the accounting controls and systems to ensure that there are no loopholes. And one more thing that you can write down is reports to shareholders and they report to senior management. So yeah, this is the difference between the role of an external auditor and of an internal auditor. Okay.
उसके बाद ये है, इसमें ए पार्ट हमारे काम का, एंड ये मैं थ्योरी आपको एज इट इज लिखवा चुका हूँ. देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन एंड ऑफ ईयर ऑडिट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस. ओके, सो द पर्पस ऑफ एन एंड ऑफ ईयर ऑडिट इज टू चेक द अकाउंट्स by an independent person, independent and competent bhi likh sakte hain, independent person to ensure that the accounts give a true and fair view. ye maqsad hota hai na audit ka, कि भाई एक इंडिपेंडेंट बाहर का कॉम्पिटेंट बंदा आके अकाउंट्स चेक करे, जस्ट टू इंश्योर कि जो अकाउंट्स बने हुए हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं. सही है. अब इसका सी पार्ट था कि यार ये ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाइड होगी या नहीं होगी. सही है. सो क्योंकि खैर हम अभी ये जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स हम लोग को आईएएस के थ्रू करने, उनको सही करना है, लेकिन क्योंकि इसमें इतने इश्यूज हैं, तीन एरर्स हैं, ठीक है, सो दिस विल बी अ क्वालिफाइड रिपोर्ट, क्योंकि इसमें मटेरियल प्रॉब्लम्स हैं, सही है, अकाउंट्स में इश्यूज हैं. एंड ई पार्ट अभी हमारे काम का है कि यार अगर क्वालिफाइड रिपोर्ट आएगी तो उससे क्या फर्क पड़ेगा. सो तुम्हारे हिसाब से अगर एक कंपनी के ऑडिटर ने बोल दिया है कि भाई ये क्वालिफाइड रिपोर्ट देता है वो अकाउंट्स के बारे में, तो उससे उस कंपनी पे क्या इफेक्ट आएगा. ऑब्वियसली अगर क्वालिफाइड रिपोर्ट है मतलब कि अकाउंट्स जो बने हुए हैं, जो फाइनल अकाउंट्स आपको दिखा रहे हैं डायरेक्टर्स, उनमें प्रॉब्लम है. सो उससे द शेयर होल्डर्स विल लूज कॉन्फिडेंस, the credibility of the final accounts, कि भाई जो भी final accounts में लिखा होगा उसको believe नहीं करेंगे shareholders, ठीक है, सही है. Now what this basically means is, इसके बाद you can also write कि qualified audit report होती क्या है, ठीक है, उससे भी हमें दो मार्क्स मिल सकते हैं. सो वी कैन ऑल्सो से अ क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट मीन्स दैट द ऑडिटर इज नॉट सैटिस्फाइड दैट the accounts give a true and fair view. ठीक है. This is a safeguard for the shareholders as it shows that the accounts have material misstatements. Okay. So yes, I think you should start off with this and then you can add this point.
And that would be enough for this. एक क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट होगी तो उसका जो इवेंचुअल इम्प्लीकेशन होगी वो यही होगी कि जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे या पोटेंशियल इन्वेस्टर्स भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करें, उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स विल बैक ऑफ. ठीक है, और ऑब्वियसली इसके बाद शेयर होल्डर्स भी फिर डायरेक्टर्स से सवाल पूछेंगे, ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग में, कि भाई ऑडिटर्स ने अगर क्वालिफाइड रिपोर्ट दी है इसका मतलब है कि यार कुछ फ्रॉड हो रहा है, कुछ एरर हो रहा है, कुछ मसले हो रहे हैं. तो हो सकता है कि डायरेक्टर्स को हटा भी दिया जाए एजीएम में, अगली एजीएम में, फ्रॉम द डायरेक्टरशिप. ठीक है, मे बी न्यू डायरेक्टर्स वुड गेट अपॉइंटेड. सही, सो दिस कैन हैव अ लॉट ऑफ इम्प्लिकेशंस. यू कैन ऑल्सो राइट दिस डाउन कि द शेयर होल्डर्स माइट वॉन्ट टू चेंज द डायरेक्टर्स गिवन द फैक्ट दैट द अकाउंट्स दैट दे प्रोवाइड आर नॉट गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू. But I think 5 marks के लिए इतना भी बहुत है. सही है, you start off with what a qualified audit report is and then you can tell the implication that the shareholders will lose confidence in the credibility of the final accounts and potential investors might back off too. अच्छा भाई, now this is list 5 duties which the auditor would carry during an audit and we're talking about an external auditor. तो यार ये मैंने तुम लोगों को 6-7 लिखवाई थी जिसमें से एक है कि वो द ऑडिटर विल चेक द अकाउंटिंग डेटा, दे विल चेक इफ द अकाउंट्स आर मेड इन कंप्लायंस विद द आईएएस, द ऑडिटर विल चेक द कंट्रोल्स एंड सिस्टम्स, दे विल वेरीफाई द मेजर ट्रेड रिसीवेबल्स, दे विल वेरीफाई द मेजर ट्रेड पेबल्स, दे विल चेक द सिक्योरिटी ऑफ नॉन करंट एसेट्स, दे विल प्रोड्यूस एन ऑडिट रिपोर्ट. ठीक है, कोई भी 5 लिख दो. व्हाट इज मेंट बाय अ क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, ये भी हम कर चुके हैं. A qualified audit report means that the auditor feels that the accounts do not show a true and fair view. अच्छा, अब यार ये अभी जो हमने पिछले पार्ट में थ्योरी की थी ना, ये बिल्कुल उसकी ऑपोजिट है. तो यार अगर एक ऑडिटर कहता है कि the accounts show a true and fair view, तब अनक्वालिफाइड रिपोर्ट देते हैं और कहता है कि अकाउंट्स बिल्कुल सही हैं, तो उससे क्या होगा? हाउ इज दैट इंपॉर्टेंट टू द शेयर होल्डर्स? सो यार आई विल ब्रीफली राइट दिस डाउन. सेम पॉइंट्स में बताता हूं कि यार अगर अनक्वालिफाइड रिपोर्ट होगी, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट होगी, तो इसका मतलब होगा कि अकाउंट्स शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू. सही है, सो दिस विल देन इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ द शेयर होल्डर्स in the company because the opinion is given by an independent and competent person. क्योंकि ऑडिटर एक तो इंडिपेंडेंट होता है, दूसरा कॉम्पिटेंट होता है. ठीक है, तो वो अगर एक ओपिनियन दे रहा है तो ऑब्वियसली वो ओपिनियन से शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. इससे और क्या हो सकता है कि आपकी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स बिल्कुल क्वालिफाइड से ऑपोजिट हो जाएगा. पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो हैं दे माइट वांट टू इन्वेस्ट और आपकी कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो शायद ऊपर चली जाए. शेयर प्राइस माइट गो अप. सही है, सो इसका ये फायदा होता है. अच्छा, अब इसका लास्ट पार्ट है. You guys can copy this if you want. The last part is evaluate. एक audit report थी that was signed by Amir and Amir was the brother of the finance director of this company. Amir was an unqualified auditor. So evaluate the validity of this audit report. So this is the last question that we're doing because यही दो तीन questions आए हैं और इसमें हमने पूरा
जो ऑडिट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है वो सब कवर कर लिया है। अब इसमें ये कह रहे हैं कि भाई इस कंपनी की सोम्स लिमिटेड की जो ऑडिट रिपोर्ट है उसको साइन किया है फाइनेंस डायरेक्टर के भाई ने जो कि अनक्वालिफाइड ऑडिटर है, तो आपके हिसाब से ये ऑडिट रिपोर्ट कितनी वैलिड है? सो दिस ऑडिट रिपोर्ट विल ऑब्वियसली बी इनवैलिड, बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगी, बिकॉज एन ऑडिटर शुड फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट बी रिलेटेड टू द डायरेक्टर्स एंड शुड बी इंडिपेंडेंट। ऑल्सो सिंस आमिर इज अनक्वालिफाइड ही शुड नॉट बी डूइंग द ऑडिट। नहीं, बस यही दो बेसिक बातें लिखनी थी कि एक मतलब इसमें ऑडिट रिपोर्ट में दो मसले हैं, दो जो मेन मसले हैं, पहली बात ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं था, दूसरी बात अनक्वालिफाइड था। सही है, दीज टू थिंग्स आर वेरी मेजर फॉर एन ऑडिटर, वन दैट ही शुड बी इंडिपेंडेंट एंड टू दैट ही शुड बी कॉम्पिटेंट। सो आई थिंक दिस वॉज वेरी इजी टू राइट डाउन, दोनों चीजें बड़ी इसने मैंशन करके खुद बता दी थी। Hey guys, this is it for today and this is it for audit. I hope you guys don't have any questions. If you do, please WhatsApp me those questions and then I'll handle your queries individually. Thank you so much. This is it for today. I'll see you guys in the next class.